सऊदी अरब संकट ग्रस्त देश सूडान में फंसे भारतीयों की मदद को आगे आया है। सऊदी अरब ने सूडान से भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान समेत कई देशों के 91 नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला है। इन नागरिकों को सूडान पोर्ट के रास्ते बाहर निकाला गया है। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने सूडान में फंसे भारतीयों के रेस्क्यू को लेकर हाई लेवल मीटिंग कर भारतीय विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया है कि सूडान की सेना से संपर्क कर वहां फंसे भारतीयों को निकालने का प्रबंध करें। आपको बता दें कि इस वक्त सूडान में करीब 4000 भारतीय फंसे हुए हैं। सूडान में सेना और पैरामिलिट्री के बीच 8 दिनों से भीषण युद्ध जारी है। सेना के खिलाफ जंग छेड़ने वाले अर्धसैनिक बल को यहाँ रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी कि आरएसएफ के नाम से जाना जाता है। सेना और आरएसएफ के बीच छिड़ी जंग में यहाँ आम लोग बुरी तरह से पिस रहे हैं। सबसे ज्यादा खराब हालत राजधानी खार्तूम में है। यहाँ एयरपोर्ट और स्टेशन समेत तमाम अहम ठिकानों पर कब्जे को लेकर लड़ाई जारी है। सूडान में दो ही अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, एक राजधानी खार्तूम में तो दूसरा पोर्ट सूडान में है। हालांकि एयर स्ट्राइक के बीच यहां से लोगों को एयरलिफ्ट कराना काफी मुश्किल है। ये तभी संभव है जब सीज फायर हो जाए। अब जान लेते हैं कि आखिर सेना और पैरामिलिट्री के बीच टकराव की वजह क्या है। तो आपको बता दें कि सूडान में संघर्ष सेना के कमांडर जनरल अब्देल फतेह बुरहान और पैरामिलिट्री फोर्स के प्रमुख जनरल मोहम्मद हमदान डगालो के बीच हो रहा है। जनरल बुरहान और जनरल डगालो दोनों पहले साथ ही थे। अप्रैल 2019 में तत्कालीन राष्ट्रपति उमर अल बशीर के खिलाफ जनता ने विद्रोह कर दिया था। सेना ने अल बशीर की सत्ता को उखाड़ फेंका। बशीर को सत्ता से बेदखल करने के बावजूद विद्रोह नहीं थमा। बाद में सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच एक समझौता हुआ। समझौते के तहत एक सोवरेनिटी काउंसिल बनी और ये तय हुआ कि 2023 के आखिर तक चुनाव कराए जाएंगे। उसी साल अब्दुल्ला हमदोक को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, लेकिन इससे भी बात नहीं बनी। अक्टूबर 2021 में सेना ने तख्ता पलट कर दिया। जनरल बुरहान काउंसिल के अध्यक्ष तो जनरल डगालो उपाध्यक्ष बन गए। जनरल बुरहान और जनरल डगालो कभी साथ ही थे, लेकिन अब दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। इसकी वजह दोनों के बीच मनमुटाव होना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों के बीच सूडान में चुनाव कराने को लेकर एक राय नहीं बन सकी। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि सेना ने प्रस्ताव रखा था जिसके तहत आरएसएफ के 10,000 जवानों को सेना में ही शामिल करने की बात हुई थी, लेकिन फिर सवाल उठा कि सेना में पैरामिलिट्री फोर्स को मिलाने के बाद जो नई फोर्स बनेगी उसका प्रमुख कौन बनेगा। बीते कुछ हफ्तों से देश भर के अलग अलग हिस्सों में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती बढ़ गई थी, जिसे सेना ने उकसावे और खतरे के तौर पर देखा। सूडान जंग की तपिश में झुलस रहा है। आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच संघर्ष में अब तक 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अंधाधुंध फायरिंग की वजह से लोगों को खाने पीने का सामान, पानी, दवाइयां तक नहीं मिल पा रही हैं। सूडान के 50 लाख से ज्यादा घर अंधेरे में डूबे हैं, जबकि पीने के पानी की भारी किल्लत है। संचार व्यवस्था भी पूरी तरह ठप है।